आप देख रहे हैं ब्लॉग विद राकेश 99। आज के ब्लॉग में मैं आप सबों को मुंगेर स्थित मिर्का सिंह की रहस्यमय गुफा दिखाने वाला हूं। तो ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। यहां आने के लिए आप सबों को श्री कृष्ण वाटिका आना होगा, जो कस्टर्नी घाट के बिल्कुल नजदीक है। जब आप इस पार्क के अंदर आएंगे तो आपको दाहिनी तरफ बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह की प्रतिमा नजर आएगी और शायद इन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम श्री कृष्ण वाटिका भी पड़ा है। ১৭৬০ ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब मिर्का सिंह मुंगेर पहुंचे तो उन्होंने मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी बदलकर मुंगेर कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने आप को महफूज रखने के लिए मुंगेर को किले में तब्दील कर दिया। शहर को किले में तब्दील करते हुए चारों तरफ मजबूत और ऊंची दीवारों का निर्माण भी कराया गया, जो आज भी मौजूद है। आइए अब हम आप सबों को मिर्का सिंह द्वारा बनाए गए उस रहस्यमय गुफा की ओर लिए चलते हैं। यह है मिर्का सिंह द्वारा बनाई गई रहस्यमय गुफा, जिन्हें आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। इस गुफा का निर्माण मिर्का सिंह ने अपने आप को अंग्रेजों से सुरक्षित रखने के लिए करवाया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये गुफा रहस्यमय क्यों है। आपको बता दें कि इस गुफा का एक छोर आज भी नजर आता है, लेकिन गुफा का जो दूसरा छोर है वो आज तक इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गुफा का जो दूसरा छोर है वो मुंगेर के पीर पहाड़ी के पास स्थित है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण किसी के पास नहीं है। कहा जाता है जब अंग्रेजों का आक्रमण मिर्का सिंह के ऊपर हुआ था तब इसी रास्ते से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई थी। मिर्का सिंह के बेटे प्रिंस बहार और राजकुमारी गुल का मकबरा इसी पार्क में मौजूद है। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का आक्रमण मिर्का सिंह के ऊपर हुआ तो मिर्का सिंह तो इस गुफा से होकर बाहर निकल गए, पर उनके बेटे प्रिंस और राजकुमारी गुल को अंग्रेज सिपाहियों ने इस रास्ते होकर जाते देख लिया और तत्काल अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आइए अब हम इस गुफा से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर हम आपको मिर्का सिंह के बेटे प्रिंस बहार और राजकुमारी गुल का मकबरा, जो इसी पार्क में मौजूद है, वो हम आपको दिखाते हैं। अब हम मिर्का सिंह के बेटे प्रिंस और राजकुमारी गुल के मकबरे के पास हैं। आइए अब हम इस मकबरे को आप सबों को पास से चलकर दिखाते हैं। अब हम इस मकबरे के बिल्कुल पास आ गए हैं और आपको पास से इस मकबरे का दीदार करवा रहे हैं। मकबरे के बिल्कुल सामने नक्काशी नुमा ये जो काला पत्थर आप देख रहे हैं, शायद ये मिर्का सिंह के बेटे प्रिंस बहार का रहा होगा। इस नक्काशी नुमा काले पत्थर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा है मिर्का सिंह की रहस्यमयी गुफा वाला वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।